जितने भी सांसद है उन्हें खोल के कह रहे हैं, सड़क पे पटक पटक के मारेंगे आने वाले समय में सारे के। नरेंद्र कुमार जी, जी प्लीज। अरे अरे आदरणीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, मैं सेना भर्ती करवाने व उम्र की छूट दिलवाने के संबंध में 2 साल से अधिक का समय हो गया, युवा निरंतर सेना भर्ती में तैयारी करते हैं, युवाओं को सेना भर्ती की प्रतीक्षा करते हुए तथा 2 साल से कोरोना महामारी के कारण बहुत से युवा सेना से निर्धारित उम्र से अधिक हो गए हैं, जिससे बहुत से युवा सेना भर्ती से वंचित रह गए हैं। सेना भर्ती करवाई जाए तथा युवाओं को सेना में 2 साल की उम्र की छूट दिलाई जाए। धन्यवाद। सभी को जय हिंद जय भारत। आज के दिन 23 मार्च 1931 को शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह को फांसी दी गई। इन तीनों ने अपने देश के लिए बलिदान दिया और इनका आज भी देश ऋणी है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से इन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। अब बात करते हैं मुद्दे की। एक बच्चे ने रनिंग की, पूरे देश में हो हल्ला हो गया। आज मैं इस टॉपिक को इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि कल भी मैंने इस टॉपिक पे बात उठाई थी और कल एक सांसद महोदय हैं जिन्होंने आज मुद्दा उठाया, नरेंद्र जी जो कि झुंझुनू से हैं, उनको बहुत बहुत भाई साहब को धन्यवाद। उन्होंने मांग उठाई है कि 2 साल के बच्चों को छूट दी जाए और जो है सेना रैली भर्तियों का आयोजन किया जाए, जल्द से जल्द जो है एग्जाम करवाई जाए। लेकिन मुझे ये कहते हुए आज बड़ी शर्म आती है कि इसी दिन के लिए हमने इन नेताओं को जो है संसद में भेजा था कि हमारे बारे में बात ना करें, ये हमारे बारे में कुछ भी ना बोले। अगर कुछ सांसदों को, कुछ विधायकों को मैं छोड़ दूं तो इनमें ऐसा एक भी इंसान नहीं है जो युवाओं के लिए बात करता हो। ये चुनाव में बड़े बड़े वादे करते हैं, रोजगार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे रोजगार छोड़ो यार, तुम देना, तुम कम से कम हमारे लिए आवाज को उठा दो। अगर विधायक से बात करते हैं तो कहते हैं सेंटर की बात है, एमपी से बात करते हैं तो कि बात चल रही है, कोरोना आ गया था, वो हो गया था, रैली भर्तियां दिखाई नहीं दे रही आपको। और इन गूंगे बहरों को सुनाने के लिए जो है ऊंची आवाज में बात करनी पड़ती है और यह अब आप सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। मैं कहता हूं ये बिल्कुल गूंगे बहरे लोग हैं। कुछ सांसद विधायकों को छोड़ दिया जाए तो ऐसे नालायक हैं ये नेता इन युवाओं के लिए, इस युवा पीढ़ी के लिए। और मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। अब धीरे धीरे उग्र हो रहे हैं और होंगे, अगर मुकदमे लगते हैं लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, जेल में भी चला गया तो चाहने वाले बहुत हैं, बाहर भी बैठ के अंदर से मुझे तो निकाल लेंगे, लेकिन आपको अंदर बैठों को पकड़ पकड़ के रोड पे पहलेंगे, ये याद रखना। आज एक चीज बता दूं, कुछ सांसद आवाज उठा रहे हैं, इन सांसदों ने चुप्पी क्यों साध रखी है? मीडिया अपनी जगह बिल्कुल आवाज नहीं उठा रहा, सांसद अपनी आवाजें नहीं उठा रहे, सब अपने गाल बजाने पे लगे हैं, या तो चुनावों के प्रति या किसी योजनाओं के प्रति। अरे तुम्हारा यार क्या बिगड़ जाएगा अगर संसद भवन में तुम इतने सारे सांसद हो, अगर एक एक बार आवाज उठाओ कि हाँ सेना भर्ती होनी चाहिए, होनी चाहिए। सारे आयोजन हो रहे हैं, बस सेना रैली भर्ती नहीं होनी चाहिए, इसके एग्जाम नहीं होने चाहिए, नई नई वैकेंसी आप निकाल रहे हैं उनके एग्जाम हो रहे हैं, उनमें कोरोना नहीं आता, उनमें कोई समस्या नहीं आती, बस आर्मी की नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे मंशा क्या है, या तो वो स्पष्ट करो, या जितने भी सांसद है उन्हें खोल के कह रहे हैं, सड़क पे पटक पटक के मारेंगे आने वाले समय में सारे के सारे युवा। अगर तुम वोट मांगने जाओगे और कहोगे हम आपके हितों की बात करेंगे, अरे सड़क पानी बिजली पानी ये सब छोड़ो, कम से कम पहले जो देश के लिए जो जुनून रखते हैं बच्चे, उनकी देशभक्ति का मान सम्मान रखते हुए उनके सम्मान में कम से कम एक बार सारे के सारे संसद भवन में आवाज तो उठा दो। देखते हैं कैसे नहीं होती है भर्ती, कैसे नहीं होती है एग्जाम। और सभी युवाओं से हाथ जोड़ के अपील है, ऐसे ही अगर आप साथ देते रहे तो वो दिन दूर नहीं होगा जब दिल्ली कूच करेंगे, या तो अप्रैल में ये एग्जाम होगी 24 अप्रैल को, या फिर दिल्ली में कोहराम होगा। आप किसी परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं है। जितने भी भाइयों के समर्थन में कॉल आते हैं, कमेंट आते हैं, उन सबसे यही निवेदन है भाई, इसी प्रकार आप सपोर्ट में रहो। मैं गारंटी देता हूं अप्रैल में या तो एग्जाम होगी या दिल्ली में कुछ और ही होगा जो इनको शायद मंजूर भी ना हो। इसलिए तैयार रहें और इस मुहिम को आगे से आगे बढ़ाते रहें। और नेता सांसद जो भी आते हैं आपके गांव के अंदर, उनको बिल्कुल पकड़ के पूछिए कि क्या मुंह पे ताला लग जाता है क्या, या गूंगे बहरे हो गए हो, सुनाई नहीं देता, युवा आज दिखाई नहीं देता। अरे कम से कम उन युवाओं की तो सोचो जिनको यार 2-2 साल हो गए, फिजिकल विजिकल सब कंप्लीट है, बस सिर्फ रिटर्न बाकी है, कितने डिप्रेशन में होंगे, एक एग्जाम को लेकर इतने डिप्रेशन में रहते हैं। तो ये तो भारतीय सेना की एग्जाम है, दिन रात दौड़कर पता नहीं कितने बच्चे हैं जिनके एग्जाम अभी तक बाकी पड़े, 2-2 साल हो गए, कई सुसाइड कर रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? सरकार का बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। तो सांसद जब भी आता है सीधा कहो क्या गूंगा बहरा हो गया क्या तू,
या तुझे वोट दे दिया इसकी गर्मी चढ़ गई है, सीधा पकड़ के पूछो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपना अधिकार है, संविधान के तहत ये अधिकार मिला हुआ है हमें, लोकतंत्र है, इसमें पूछ सकते हैं कि आपने हमारे बारे में वहां क्यों नहीं बोला। और आपके मैं तो कहता हूं क्षेत्र में जो भी सांसद है उनके पास जाइए, धरना दीजिए कि यार कम से कम संसद में बोल तो लो, जब भी आपको मौका मिलता है इतनी सी आवाज तो हमारे लिए उठा ही सकते हो। उम्मीद करता हूं आप इसी प्रकार सपोर्ट में रहेंगे और जल्द ही दिल्ली के लिए बड़ा फैसला लेंगे। लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।